Hello, dosto. This is CA Mohit Agarwal here, and this is a very important video for those jinka CA ka result jo hai wo 3rd February ko nikla tha, but unhone clear nahi kar saka, unka result negative aaya. Kya kamiyan reh gayi thi? Kaise sudhar karna hai? Kya strategy rehna hai? Kaise pass hona hai? Ab May 2020 mein pura video last tak dekhega. Main aapke liye pura jo hai well thought out plan jo hai wo lekar ke aaya hoon. Aur mere taraf se kya ban sakta hai? Main bhi wo aapko batane wala hoon. Okay. Jaisa ki aap jante hain ki 3rd of February ko CA फाउंडेशन एंड सीए इंटर के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट जो है अपने यहाँ से बहुत ही बढ़िया गए थे, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 3 इन सीए इंटर जो है वो बेस्ट था. लगभग 12 रैंक्स, टू बी प्रिसाइज 12 रैंक्स जो है हमारे इंस्टीट्यूट ने क्लॉक किया. बट आज उसको सेलिब्रेट करने का अभी वक्त नहीं है. अभी मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने अपना एग्जाम्स क्लियर नहीं किया. तो क्यों नहीं किया, मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा. चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लीजिए. पूरा कंटेंट भरा हुआ आपके लिए जो वीडियोस है वो मैं अपलोड करता हूं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं. और अगर कर रखा है तो और को भी बोलिए कि कर ले और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिन लोग हताश हैं उनको एक उम्मीद का किरण मिले. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने क्लियर नहीं किया सीए फाउंडेशन या सीए इंटर जो 3rd फेब को रिजल्ट निकला, क्यों नहीं किया? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने आईसीएआई का क्वेश्चन पेपर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट? अच्छा, ईमानदारी से देखिए, आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, जो कमियां रह गई थी उसको सुधार करना है. लेकिन तो ईमानदारी से अपने आप जो है ना ये सब आंसर्स का जवाब दीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके. क्या आपने आईसीएआई का क्वेश्चन पेपर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी सब्जेक्ट, क्या आपने कम से कम आईसीआई का क्वेश्चन पेपर फॉर एवरी सब्जेक्ट टू ईच सॉल्व किया था, वो भी 3 घंटा का टाइमर सेट करके? हर एक सब्जेक्ट का 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मैंडेटरी है एग्जाम्स में अपियर करने के पहले, वो भी 3 घंटा टाइमर सेट करके. अगर आप ये कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ना केवल बढ़ जाएगा, आपको अपनी कमियां अपने आप पता चल, यू विल बी एबल टू नो अबाउट योर शॉर्टफॉल्स एंड पिटफॉल्स ऑन योर ओन. आपको अपने कमियां अपने आप एहसास हो जाएगा. और पेपर जो है एग्जाम में छूटना आतंकवाद से कम नहीं है, अगर आप पेपर एग्जाम में छोड़ करके आ रहे हैं. आप कैसे पेपर प्रोफेशनल एग्जाम में छोड़ करके आ सकते हैं? कोई बच्चा बोलता 10 नंबर का छोड़ गया, कोई बच्चा बोलता 20 नंबर का छोड़ गया, तो वहीं तो आपका 10-12 नंबर शॉर्ट पड़ जाएगा. सो आईसीए का क्वेश्चन पेपर फॉर एवरी सब्जेक्ट टू ईच पेपर आपको सोल्व करना कंपल्सरी है, 3 आवर टाइम सेट करके. आप सोचिए ना, आप 11-12 में 10 ईयर्स क्या क्या सॉल्व करके जाते थे और इतना बड़ा एग्जाम में आप ऐसे ही उठ करके चले गए. ब्लंडर. कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, 0.1 यस, 0.2 नो, या फिर 0.1 नो, 0.2 यस, ऐसे लिख करके आप मेरे को बताइएगा. दूसरा सबसे बड़ा चीज, क्या आपने इंस्टीट्यूट के दिए गए मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर लास्ट 3 टर्म के सॉल्व किए थे क्या? लिख करके नहीं बट देख करके भी सही चलेगा. एमटीपी आरटीपी लास्ट 3 टर्म्स ऑफ अगेन एवरी सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट. हमेशा से मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं ये सब करो. मेरे यहां पर जिन लोग पढ़ते हैं, दुनिया भर का मॉक टेस्ट लिया जाता है. एमटीपी आरटीपी यूट्यूब में मेरे चैनल पे आप जाइए, आपको दिखाई देगा इंटर का, लॉ, ऑडिट वगैरह सबका आरटीपी एमटीपी जो है लास्ट 3-4 टर्म का पूरा आपको सॉल्व दिखाई दे देगा. तो आप कहीं पर भी पढ़े हो, आपको ये सब करना मैंडेटरी है, नहीं तो फिर पास नहीं होंगे. तीसरा चीज, जितने भी अमेंडमेंट्स रेलिवेंट थे, जितने भी अमेंडमेंट्स रेलिवेंट थे एंड फुल कवरेज आपने किया था क्या? जैसे इंटर में, लॉ ऑडिट में हर टर्म में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स रहता है, लास्ट टर्म में भी था, तो मैंने तो 3-3.5 घंटा का वीडियो भी इसके ऊपर अपलोड कर रखा था. इनफैक्ट इस बार तो फाउंडेशन में भी एलएलपी में अमेंडमेंट आया था, तो क्या आपने अमेंडमेंट्स एंड फुल कवरेज करके किया था क्या? आपने कहीं सिलेक्टिव स्टडी तो नहीं कर लिया? टीचर जो पढ़ाया आप उसके अंदर से भी छाट छूट करके तो नहीं चले गए? रिविजन स्ट्रेटजी क्लासरूम के अंदर, मान लो भले ही आपने लिख लिया हो, लेकिन रिविजन स्ट्रेटजी जो है वो रिविजन स्ट्रेटजी आपका ठीक था क्या? आपको क्या, आपने जहां पर भी पढ़ा हो हर चैप्टर का रिविजन मिला था क्या? ये भी आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आपको हर चैप्टर का आपके टीचर ने रिवीजन दिया था, आपके मेंटोर ने रिवीजन दिया था, नहीं दिया था तो क्या आपने खुद से रिवीजन स्ट्रेटजी कुछ बनाया था क्या? क्योंकि अल्टीमेटली इट ऑलवेज बॉइल डाउन टू 1 or 2 days बिफोर एग्जाम. ट्रस्ट मी, आप लोग भी इस बात से इत्तफाक रखते होंगे, अब आप जो है उस चीज को एक्सपीरियंस कर रखे होंगे. जो एग्जाम के पहले आप पढ़ेंगे आप एग्जाम में वही याद रहेगा और लिख सकेंगे. ऑब्वियस बात है, एग्जाम के पहले जो पढ़ेंगे रिवीजन तभी हो सकेगा जो आपका पहले का पढ़ाई अच्छा किया हो, तब रिवीजन फास्ट हो सकेगा. बट
कितना भी अच्छे से पहले पढ़ाई किया हो, अगर आप एक दिन पहले रिविजन नहीं करते हैं तो एग्जाम में जो है आप फंबल करेंगे। तो रिविजन स्ट्रैटेजी जो है आपका प्रॉपर अगर नहीं है तो आप गए। रिविजन स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है कि आप जो है जो एग्जाम के पहले जस्ट पहले 1.5 डे जो आपको मिलता है उसमें आपने प्रॉपरली जो है अपने सारे रिविजन वगैरह कर लिए थे क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर चैप्टर वाइज आपको रिविजन मिल जाएगा। सो ये सब जो है ना मजाक नहीं है, एकदम यही सब कारण है। अब आप अपने आप ही सोचोगे हाँ यही सब कारण है। एंड यू हैव टू स्टे पॉजिटिव नाउ, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव कि नहीं, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं मैं इस कोर्स के लिए नहीं बनाऊ, मैं इस लेवल के लिए बनाऊ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जानता हूं, मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन लोगों की टॉप पोजीशन पर है और उन्होंने दो दो तीन तीन अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। ठीक है, तो जो बच्चों से सीए का एग्जाम्स नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, वो क्या हो गए, फेल हो गए, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग था, एक्सपीरियंस है। अब आप जब मई 20 में एग्जाम्स देंगे तो मेक श्योर करिएगा मई 20 में जब आप एग्जाम्स देंगे आप ये सारे बात को, ये पांचों बात को फॉलो करें। आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा सीरियसली अगर पढ़ ले तो आप रैंक ला करके दिखाइए ना, साबित कर दीजिए सब लोगों को, जिन लोग अभी आपका मजाक उड़ा रहे हैं या फिर मनी मन मजाक उड़ा रहे हैं, आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, उनको साबित कर दीजिए कि वो कितने गलत है। सो गेट अप एंड स्टार्ट स्टडिंग ऑल ओवर अगेन बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी। मेरी तरफ से आप लोग के लिए ये चीज है, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम में लगभग सवा दो महीना ही बाकी है। ठीक है, सवा दो महीना अप्रोक्स बाकी है। तो अगर आप लोग मेरे को मेल कर देंगे इस आईडी पर mohitsird2hclasses@gmail.com, तो मैं जो अपना फीस है वो वेव कर दूंगा। वेव कर दूंगा मतलब 50% ऑफ द टोटल फीस जो है उसमें मैं आपको क्लासेस अवेलेबल करवा दूंगा। और मत भूलिएगा कि इसके अंदर हम लोग का 18% जीएसटी जाता है। ठीक है, कोरियर चार्जेस जाता है, मैट का कॉस्ट जाता है, सर्वर का कॉस्ट जाता है, मतलब समझ लो ये मेरी तरफ से। आप क्लासेस लो नहीं लो वो अलग बात है, बट मेरी तरफ से ये जो है ये आपको समझ लो कि कोई चार्ज में मैं ले ही नहीं रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इसे पूरा रिकवर नहीं होगा, बट क्योंकि अब 2 सवा 2 महीना बाकी है, मेरे तरफ से जो बन सकता था मैंने वो आपके लिए किया है। आप mohitsird2hclasses@gmail.com में जो है जरूर मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कोलकाता वाले बच्चे हैं, कोलकाता वाले स्टूडेंट्स, वो मेरे से पर्सनली आकर के मिल सकते हैं Monday 10:30 AM शार्प। लेट मत होइएगा, Monday 10:30 AM शार्प आप आइए। ठीक है, मैं आपको पर्सनली जो है काउंसलिंग कर दूंगा पर्सनली। कोलकाता में आप जानते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट कहां पर है, 59 जतेंद्र भवन एवेन्यू, कोलकाता 7 लाख 5। आप यहां पर आइए Monday 10:30 शार्प आइए, मैं पर्सनली आप लोग का काउंसलिंग जो है वो कर दूंगा। और जो मेरे रेस्ट ऑफ इंडिया वाले बच्चे हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो मेरे को बताइएगा कि यस कि नो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इससे ज्यादा देखो जितना बन सकता था मैंने उससे बढ़कर के ही आपके लिए किया, उससे ज्यादा ही किया है। सो आप अगर वेबसाइट में जाएंगे तो वेबसाइट में आपको 30% का ऑफर दिखाई देगा, 30% डिस्काउंट ऑफर इज फ्लैट गोइंग ऑन फॉर ऑल। बट सीए का जो रिजल्ट आया फाउंडेशन इंटर का, उसमें अगर मई में अगर बच्चे क्लियर करना चाहते हैं और अभी नहीं क्लियर कर सके, तो मेरी तरफ से ये है कि उन लोग जो है मेल करेगा तो उन लोग को हम लोग ये ऑफर दे देंगे। वेबसाइट पर ये ऑफर उपलब्ध नहीं हो सकता, ये ऑफर जो है केवल स्पेसिफिक ऑफर है आप लोग के लिए, आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए। अब और एक चीज, और एक भयानक चीज, अभी क्या है आपके पास 2-2.5 महीना है। ठीक है, अगर आप फास्ट ट्रैक के चक्कर में जाओगे, सिलेक्टेड स्टडी करोगे फास्ट ट्रैक के चक्कर में, 20 घंटा 40 घंटा में आप अपना सिलेबस खत्म, यू विल बी कॉट इन द विशियस साइकिल ऑफ फेल, कॉट इन द विशियस साइकिल। आप बार बार 40 घंटा वाला फास्ट ट्रैक करके जाते हो, फिर मई में रिजल्ट नेगेटिव आएगा, फिर मई वाला जो रिजल्ट आएगा लगभग अगस्त में, फिर आप सोचोगे अब टाइम नहीं 40 घंटा वाला कर लेते हैं, फिर आप नवंबर में लटकोगे, ऐसा विशेष साइकिल में मत पड़ जाना। ठीक है, 40 घंटा वाला 20 घंटा वाला क्लास से कुछ आनी जानी नहीं है। आप मेरे क्लासेस जो है पूरे एग्जॉस्टिव है, लॉ, ऑडिट एंड ESSM के। ठीक है, तो अभी जिन लोग का ग्रुप 2 बाकी है उन लोग ऑडिट ESSM अलग अलग भी ले सकता है, दोनों का कॉम्बो मिला करके भी ले सकता है। ऑडिट में हम लोग के 61 क्लासेस है, ESSM में टोटल 30-35 क्लासेस है, और लॉ में हम लोग के लगभग 70 क्लास है। सो मेक श्योर कि और आपका क्लास देखने से पूरा हो जाएगा, मेरा गारंटी है। रिवीजन भी हम उसी के अंदर करवा देंगे। ठीक है, क्वालिटी को लेकर के आप निश्चिंत रहिए। लॉ में हम लोग के 4 मल्टीकलर्ड मैट है इंक्लूडिंग MCQ मैट, ऑडिट में 3 है, ESSM में भी 3 है, तो टोटल ये 10 मैट भी जो है ना इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे।
सो मेक श्योर कि ये आप जो है ना 2.5 महीने वाले चक्कर में आप मत पड़िए, ठीक है? आप पूरा अपना कवरेज करके जाइए, अभी भी टाइम है, हो जाएगा, और आप इन बातों को ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, तो यही था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। भगवान से प्रार्थना है कि आप जो है मई 20 में अच्छे से क्लियर करें। बाय।